तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा होगी सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम भी मस्त हैं, अभी पूरे एकदम स्वस्थ हैं, देख सकते हैं। और अभी हम लोग शाम के टाइम वीडियो बना रहे हैं और लगभग इस समय 8 बज गया। तो अभी शाम की सबसे पहले तो आप सभी के लिए राम राम, जय श्री कृष्ण। तो आज की वीडियो में आप सभी समझ ही गए होंगे कि किस बारे में वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ और क्या बताना चाहता हूँ और किस टॉपिक पे वीडियो है। और कल मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था आप सभी के लिए कि मैं क्या सिखाऊंगा आज। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए सिखाऊंगा कि वीडियो कैसे बनानी चाहिए और कहां से वीडियो उठानी चाहिए, जिससे आपका चैनल ग्रो हो और आप भी आगे बढ़े, और सारा कुछ मतलब आप सभी लोगों के सिखा बताएंगे। तो सबसे पहले तो आज मैं लाइव प्रूफ को दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने चैनल पर एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, तो वहाँ मेरे सामने एक चैनल आया, उसको मैंने सब्सक्राइब करके भी रख लिया। वो सब आप सभी लोगों के लिए लाइव दिखाऊंगा। वो चैनल देख के ही मेरा दिमाग ना इधर से इधर हो गया भाई साहब, ऐसे आँख खोल के देखना पड़ गया मेरे को, ऐसे क्या बताऊँ तुम्हारे को। मतलब ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में डले हैं, मैं सोच सोच के यही परेशान हो गया। आज मेरे पास कितने सारे कमेंट भर भर के आ रहे हैं, मैं आप सभी के लोग किसी दिन लाइव दिखा दूंगा कि कितने सारे कमेंट आ रहे हैं। कोई कहता है मैंने 250 वीडियो डाल दी, कोई कहता है मैंने 500 वीडियो डाल दी, कोई कहता है मैंने 300 वीडियो डाल दिया, 100 वीडियो डाल दिया, 150 वीडियो डाल दिया, 1000 तक वीडियो का मतलब बता रहे हैं। और एक चैनल तो मैंने रियल देखा कि उसमें 1300 वीडियो डली है, वो आपको लाइव दिखाऊंगा अपने फ़ोन में। वो बने रहिए वीडियो में, वीडियो में एंड तक बने रहे, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला और काफ़ी ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा मेरे इस चैनल पर। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइव जरूर कर देना वीडियो को, और आप लोग लाइव करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिसके साथ हमारे शरीर में भी एनर्जी आती है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रहिए हमारे चैनल पर, तो आप लोगों को सारा कुछ मैं सिखा के छोड़ूंगा, यूट्यूबर बना के ही छोड़ूंगा। कितना ही छोटा यूट्यूबर हो, कितना ही उसके वीडियो कितना ही डाल दिया हो, नहीं चल रहा, ग्रो नहीं हो रहा, सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा, व्यू नहीं आ रहा, बेफिक्र होकर टेंशन को एक साइड रख के और मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी लोगों को मैं सारा जो मैं तरीका सिखाऊंगा जिससे आपका चैनल ग्रो हो और वीडियो पर व्यू जाए, सब्सक्राइब अच्छे खासा बढ़े और आप भी इनकम करें। तो सबसे पहले मेरे वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग किस लिए यूट्यूब पे आते हैं। हम लोग इसलिए यूट्यूब पे आते हैं कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर जो सब आज बड़े बड़े यूट्यूबर जो है, जैसे दो तीन यूट्यूबर हैं, मनोज दे, सौरभ जोशी ब्लॉग और नित्य ब्लॉग, और वहाँ से चलो तो अभी बिजरिया ब्लॉग है, उसके बाद सौरभ जोशी का तो आप सभी लोगों को पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा बड़े यूट्यूबर हैं। उसके बाद मनोज दे भी हैं, वो टेक चैनल चलाते हैं, काफ़ी कुछ सिखाते हैं। तो ये सब बड़े बड़े यूट्यूब वाले बाबा हैं, वो काफ़ी कुछ लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, काफ़ी अच्छे इंसान हैं, काफ़ी उनके बारे में जितना तारीफ करूँ उतना कम है। ये लोग सब बढ़िया आदमी हैं, ये सब आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हीं में से एक हम हैं जो आप लोगों को कोशिश करेंगे सिखाएंगे, यूट्यूबर वाला बनाने की कोशिश करेंगे कि आप लोग भी यूट्यूबर बने, आगे चल के सफलता मिले और जो कुछ भी आप सपना देख के आए हैं वो सपना आपका पूरा हो। हर कोई अपना अपना सपना लेके यूट्यूब में आता है कि खास हमारा भी किस्मत कुछ चमकेगा, हमारी भी वीडियो वायरल जाएगी, हमारा चैनल मोनेटाइज होगा, तो कुछ हम भी कमा के कुछ अपने सपने पूरे करेंगे, उसीलिए सब लोग आते हैं। तो चलते हैं वीडियो को करते हैं शुरू, और चलते हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर और सारा लाइव दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है। तो देख सकते हैं ये रहा मेरा फ़ोन, तो इसी में सारा कुछ मैं आप सभी लोगों को दिखाऊँगा, स्क्रीन लगाऊंगा बगल में, सारा कुछ देखने के मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर। तो अभी आ चुके हैं हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, देख सकते हैं साइड में स्क्रीन दिख रही होगी आप सभी लोगों के लिए, चालू होगी। तो अब मैं चलता हूँ अपना YouTube खोलता हूँ, तो देख सकते हैं पहले YouTube मैं खोलता हूँ, अब यहाँ से खोल के खोल देता हूँ मैं YouTube, अब यहाँ से वापसी होते हैं। तो मैं अब यहीं से आप सभी लोगों को सिखाऊँ, वो चैनल मैंने सब्सक्राइब करके रखा है कि कहीं उड़ ना जाए, जो वीडियो मेरे सामने आई थी वो मैंने देखी, और देखने के बाद ही मेरा हार्ट फेल हो गया, क्या बताऊँ। मैं जब से सोच रहा हूँ कि कब मेरा 8 बजे हो, कब मैं वीडियो बनाऊँ, तब मैं देख सकता हूँ ये चैनल मैंने जो सब्सक्राइब किया था उसको खोलते हैं। अब यहाँ मैं आप सभी लोगों को दिखाता हूँ, देख सकते हैं ये चैनल है, और ये चैनल भाई साहब क्या बताएं। अभी इसका पहले ये देख लेते हैं ये चैनल कब बना था, पहले वो दिखाते हैं आपको। तो ये चैनल बना 31 जुलाई 2023 में चैनल बना, और इसमें टोटल व्यूज है अभी 3,09,295 टोटल व्यूज है इस पर। और अब मैं आप सभी लोगों को इस चैनल की खासियत दिखाता हूँ, क्या खासियत है इसमें, इसमें सबसे बड़ी खासियत है वो आप सभी लोगों को दिखाता हूँ।
आप लोगों का भी दिल खुश हो जाएगा ये देखकर। अभी मैं बैक करता हूँ। अब यहाँ सबसे पहले ऊपर देखिए जहाँ ये फ़ोटो और नाम लिखा है, नाम खोल के नहीं बताऊँगा, आप लोग देख सकते हैं, पढ़ लीजिए क्या नाम से है। मैं नहीं खोलूँगा क्योंकि जिसका भी चैनल है उसको बुरा लग जाएगा फिर कि हमारे बारे में वीडियो बना के उल्टा सीधा बोल। मैं उल्टा सुलटा नहीं बोल रहा हूँ जबकि और समझा रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा समझिए और आगे बढ़िए, समझ गए। अगर वीडियो नहीं देखेंगे और मेरी सबसे पहले तो मेरी वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। अगर एंड तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। बीच में छोड़ के जो अभी जाना चाहता है जा चला जाए, मेरे को दिक्कत नहीं। बीच में छोड़ के जो जाएगा उसका नुकसान होगा, जो एंड तक देखेगा वो फायदे में रहेगा। तो अभी देख सकते हैं इस पर है 1.44K टन, मतलब 1400 सब्सक्राइबर है इस पर, मतलब 1400 टोटल सब्सक्राइबर है इस पर चैनल पर। और अब इसकी खासियत यह है कि इस पर वीडियो देख सकते हैं, इधर जो साइड में एक आइकन है इसका वीडियो देख सकते हैं कितना डाल रखे हैं, 1300। भाई साहब यही मेरा देख के दिमाग ख़राब हो गया, तो 1300 वीडियो इस चैनल पर अपलोड हुई है और सब्सक्राइबर है 1500। अब आप लोग लगा लीजिए अंदाज कि 1300 वीडियो और सच 1400 सब्सक्राइबर। यार यहाँ तो आदमी 10-10 वीडियो डालने के बाद में, 20-20 वीडियो डालने के बाद, 100 वीडियो डालने के बाद हज़ारों लाखों में सब्सक्राइबर हैं किसी के, और अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, और इनका भी चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ ये देख सकते, क्योंकि बॉट टाइम ही पूरा नहीं हुआ तो मोनेटाइज कहाँ से होगा। और शॉर्ट से मोनेटाइज होता तो शॉर्ट में व्यू ही नहीं आते, वो भी मैं आप सबको लाइव दिखा रहा हूँ। तो पहले तो इनके वीडियो पे या ब्लॉग वाली वीडियो पे क्लिक करते हैं, जो इन्होंने फैमिली ब्लॉग बनाते हैं, ये सब देख सकते हैं, फैमिली के ब्लॉग बनाते हैं घर परिवार का, और रियल लाइफ में जो होता है वो बनाते हैं। लेकिन उसमें भी बनाने में एक कमी है, देख सकते हैं ब्लॉग बनाते हैं पूरा हम लोग, जब ब्लॉग कोई भी एक ब्लॉग यूट्यूबर है, बिजरिया का ब्लॉग देख सकते हैं, सौरभ जोशी का ब्लॉग देख सकते हैं, वो सुबह उठते हैं, सुबह से अपना ब्लॉगिंग चालू करेंगे, हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए ब्लॉग में, और हम आज इधर जाएंगे उधर जाएंगे, मतलब उनकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सारा कुछ अपने ब्लॉग में दिखाते हैं। तो कम से कम टोटल मिला के उनका 10-15 मिनट का ब्लॉग पूरे दिन का होता है, इस 15 मिनट से कम नहीं रहता, 15 मिनट से ऊपर ही रहेगा, तो इतना ब्लॉग होना भी चाहिए और मोस्ट टाइम से इतना ब्लॉग होना चाहिए। और इनके ब्लॉग देख सकते हैं, कोई 6 मिनट का है, कोई 3 मिनट का है, कोई 2 मिनट का है, कोई 4 मिनट का, कोई 1 मिनट का, कोई 0 मिनट का, कोई मतलब कोई लिमिट ही नहीं है इसमें कि क्या है, अलगम कर दें सर कचरा सब भर रखा है, ना तो टाइटल है, ना थंबनेल है, ना डिस्क्रिप्शन कुछ लिखा है, ना तो टैग डाले, टाइटल ही नहीं डाला हो, थंबनेल ही नहीं है। मेन चीज़ तो यही है कि अगर आप लोगों के वीडियो पे सबसे पहले कोई, अगर आप लोग किसी का कोई आपका चैनल देखेगा तो सबसे पहले उसके सामने आपकी वीडियो जाएगी तो आपका थंबनेल देखेगा, जब उस पर थंबनेल ही नहीं है तो वो क्या क्लिक करेगा, घंटा कुछ भी क्लिक नहीं करेगा। तो सबसे पहले थंबनेल ज़रूरी है, थंबनेल कैसे बनाते हैं, थंबनेल कैसे खींचते हैं, ब्लॉग वाले टैग वाले सारा कुछ मैं इसे भी लोग मेरे वीडियो में सारा कुछ देखने के मिलेगा, और वो जो सारा कुछ मैं आप सभी लोगों के लिए बना दूंगा एक वीडियो, उसमें आप सभी को सिखाऊंगा कि थंबनेल कैसे बनाते हैं। फिलहाल तो मैं कुछ और बात कर रहा हूँ, वो सुनिए। अभी इनका चैनल बैक करते हैं, देख सकते हैं, तो अब इनका चैनल पर देख सकते हैं, शॉर्ट खोलते हैं हम, अभी शॉर्ट से चैनल मोनेटाइज हो सकता था लेकिन शॉर्ट देख सकते हैं। अब ये शॉर्ट जो डालते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एक दिन में 11 वीडियो अपलोड करते हैं शॉर्ट, एक दिन में 11 वीडियो शॉर्ट में, जबकि यूट्यूब खुद कहता है एक दिन में 30-34 वीडियो डालोगे तो मैं उसका रिकमेंडेशन नहीं भेजूंगा, 3 वीडियो का रिकमेंडेशन खुद ही यूट्यूब भेजता है, जबकि एक दिन में ये 11 वीडियो डालते हैं। अब इन 11 वीडियो का व्यू देख सकते हैं, 1 पे 0, 1 पे 0, 1 पे 0, 1 पे 2, 1 पे 0, 1 पे 3, 1 पे 2, 1 पे 1, 1 पे 3, फिर उसके बाद 1 पे 1, 1 पे 0, 1 पे 5, ऐसे व्यूज आ रहे हैं इसमें। अब देख सकते हैं सारा शॉर्ट का यही हाल है, और एक दिन में 10-10, 15-15 डाल देगा, और इनका एक वीडियो चला के दिखाते हैं आखिर में वीडियो शॉर्ट बनाते कैसे। तो आप सभी ने देख लिया, ये म्यूजिक कहीं और से उठाते हैं, उस पर डांस करते हैं, वो वीडियो डालते हैं, लेकिन इनका जो म्यूजिक होता है ना वो अलग, और इनका डांस ही अलग होता है, मतलब कोई मैचिंग नहीं रहता है, ना तो मुंह का आवाज़ ना इनका वो कुछ भी मैचिंग नहीं रहता है, सारा अलग अलग रहता है। तो आप इनका देख लिया, और यही मैं चैनल वो आप सभी लोगों को दिखाना चाहता था कि इस पर 1400 सब्सक्राइबर होने के बाद 1300 वीडियो डली पड़ी है, यानी कि 1400 सब्सक्राइबर और 1300 वीडियो। और आप लोग कहते हैं कि अरे हमने 6 महीने में आप लोग परेशान हो गए, ये चैनल 2 साल का चल रहा है, 25 लगने वाली है, 24, 23 में बना था,
2 साल ये मेहनत किया, 2 साल के बाद भी ये चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, तब ये रो रहे हैं अब लास्ट में जाके कि हमारे इतने दिन की मेहनत बेकार जा रही है, हमारा चैनल चल ही नहीं रहा, ग्रो ही नहीं हो रहा, यूट्यूब पे व्यूज ही नहीं आ रहे। तो अब ये सब यूट्यूब को मतलब दोष दे रहे हैं कि यूट्यूब को बड़े बड़े जो यूट्यूबर हैं उन्हीं को सपोर्ट करते हैं हमें सब, जबकि ये खुद नहीं देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, ये अपना कॉन्टेंट खुद ही नहीं देख रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या नहीं दिखा रहे हैं, इनको खुद ही पता नहीं तो ये दूसरे को क्या दिखाएंगे। जब आप ये अपना वीडियो अपने से ही नहीं समझ पा रहे हैं तो हम तुमको क्या दिखाएं, हमें क्या समझ में आएगा कि इसमें क्या है। तो ये सब गलती आपको नहीं करनी है जो इन्होंने कर रखी है, ये जो गलती इन्होंने की वो आपको नहीं करना, न तर आप भी बाद में ऐसे ही पछताएंगे, यह बात ध्यान रखना मेरी बात। और अब मैं आप सभी लोगों को इसको छोड़ते हैं, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूँ, मेन पॉइंट पे, जो मैं आप सभी लोगों को दिखाना चाहता कि वीडियो बनाते कैसे हो, कैसे चैनल ग्रो करते हैं, कैसे सब्सक्राइब बढ़ाते हैं और कैसे इनकम करते हैं, चैनल मोनेटाइज कैसे करवाते हैं, अब वो देखिए। तो मैं इसी पे दिखाऊंगा आप सभी लोगों को, थोड़ा बैक आते हैं, उनका भी चैनल मोनेटाइज, जिनका 15 दिन में चैनल मोनेटाइज हुआ और कितना वीडियो डाल रखे हैं और कितने सब्सक्राइब और कितना इनकम हुआ, सारा कुछ मैं दिखा रहा हूँ। उनका भी चैनल मैंने सब्सक्राइब कर रखा है, वो खोलते हैं तो देख सकते हैं, ये रहा चैनल। अब इसको मैं खोलता हूँ, अभी मैंने इसको खोल दिया। अब इनके कॉन्टेंट पे अभी बाद में देखेंगे, पहले इनका सब्सक्राइब देख लो, 3,006 सब्सक्राइबर है इनका और 106 वीडियो भी है। अब ये लगा लीजिए, कहाँ थी 1300 वीडियो और 1400 सब्सक्राइबर, और कहाँ 3,000 सब्सक्राइबर और 100 वीडियो, आप लगा लीजिए, आप हिसाब से हिसाब देख सकते हैं सामने, रियल आप सामने। ये मैं कोई फेंकने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्क्रीन रिकॉर्ड इसलिए लगा रखा हूँ कि मैं वैसे बोलता तो आप सब सोचते थे यार सारा चूतिया बना रहा, लेकिन मैं चूतिया नहीं बनाता हूँ, मैं सर्च करता हूँ पहले, देखता हूँ कि आखिर में क्या है क्या नहीं है, वो रियल क्वालिटी में आप सभी लोग को दिखाते हैं। और इनका चैनल ब्लॉग है, इनका भी नाम मैं नहीं खोलूँगा, कल के दिन ये भी कहेंगे कि यार तुम कैसे वीडियो बना रहे, तो मैं किसी का नाम नहीं लेता हूँ, बस दिखाता हूँ। तो आप देखिए, और अब मैं इनका कॉन्टेक्ट दिखाता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो पहले तो आपको भी ऐसे ही करना है जैसे इन्होंने किया, सारा कुछ मैं इसमें दिखा रहा हूँ कि इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। तो पहले तो अभी इनका एक वीडियो देख लीजिए, अभी इन्होंने 10 घंटे पहले डाला था जिसपे 325 व्यूज आए, और एक दिन पहले एक वीडियो डाला था, 15 दिन में चैनल मोनेटाइज पूरा हुआ सक्सेसफुल, तो उसके बाद इस पर 1400 व्यूज आ गए एक दिन में। उसके बाद 15 दिन में चैनल मोनेटाइज कैसे किया, उस पर भी कम से कम 1000 व्यूज आए हैं 2 दिन में। फिर चलते हैं नीचे, काफ़ी ज़्यादा वीडियो इन्होंने डाल रखी है चैनल के बारे में, और एक और वीडियो है इनके नीचे, आप यहाँ देख सकते हैं वीडियो आई है कि नीचे, साधारण सी लड़की ने कर दिया कमाल, 15 दिन में चैनल को मोनेटाइज कर दिया, ये देख सकते हैं टाइटल में लिखा है वीडियो, और इस पर है 41 केटन, मतलब 41,000 व्यूज आए 8 दिन में, एक हफ्ता के अंदर 41,000 व्यूज, जबकि सब्सक्राइब कितना है आपको दिखा है 3,000, 8 दिन पहले कुछ और था आज कुछ और होगा, 3,000 सब्सक्राइबर है और 41,000 व्यूज आए हैं वीडियो। इस वीडियो को मैं क्लिक करता हूँ, इसमें है क्या देख सकते हैं, लोग खड़े हो जाते हैं जो समझ जाइए आपके, हाँ केवल 15 दिनों में अपने चैनल को मोनेटाइज कैसे कराएं। जो भी नए यूट्यूबर थे 2024 में जिन्होंने नया यूट्यूब चैनल बनाया है और अपने यूट्यूब चैनल से अर्निंग करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही झक्कास वीडियो होने वाला है। तो आप सभी को आज हम बताते हैं किस तरीके से, जैसा थंबनेल आप लोगों ने पढ़ा कि साधारण सी लड़की ने कर दिया कमाल, 15 दिन में चैनल मोनेटाइज करके मचा दिया धमाल यूट्यूब पर आई। तो जैसे ये खुद ही कह रही है कि साधारण सी लड़की ने कर दिया कमाल, 15 दिन में कर दिया चैनल को मोनेटाइज, यानी कि 106 वीडियो डालने के बाद भी 15 दिन में ही चैनल, 15 वीडियो डाली उसी में ही चैनल मोनेटाइज कर दिया, वो बाकी का वीडियो तो हटा वाला की करो। अब मैं आप सबको इनका कॉन्टेक्ट दिखाता हूँ, इन्होंने क्या बनाया जिसके इनका चैनल जल्दी ग्रो हो गया, अच्छे खासे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं और अच्छी खासी ये कमाई कर रहे हैं। तो अब इनके वीडियो को चलते हैं कॉन्टेक्ट पे, देख सकते हैं अभी दिखाते हैं इनका पूरा, लास्ट में चलते हैं पहले नीचे की तरफ पे, पहले कैसे वीडियो बनाते थे। तो अभी देख सकते हैं इनके लास्ट में आ गए नीचे, और इन्होंने डाल रखे हैं पहले एक वीडियो डाला था इन्हें आज से 2 महीने पहले 3 महीने पहले माई फर्स्ट ब्लॉग के नाम से, माई फर्स्ट ब्लॉग, जो इनका ब्लॉग मैं आप सभी को चालू करके दिखाते हैं, देख सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों मेरा नाम प्राची है, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है दोस्तों, आज से मैं अभी ब्लॉगिंग करके आप सभी के साथ जुड़ना चाहती हूँ। तो चलिए आपकी मैरिड लाइफ के बारे में बता दूँ दोस्तों, मेरी शादी को
तो इनका ये पहले माय फर्स्ट ब्लॉग पहले वीडियो था आज से 3 महीना पहले। और इनका चैनल मैं अभी दिखाता हूँ कि कब बना। आप लोग सोचेंगे ये पुराना चैनल है, काफ़ी दिन से ग्रोथ है और काफ़ी इनको सपोर्ट, कोई भी भैया इनको सपोर्ट नहीं किया, ज़्यादा पुराना चैनल भी नहीं है और फिर भी ये चैनल ग्रो हो गया और अच्छा खासा व्यूज आ रहा, अच्छे खासे कमाई हो रही, अच्छे खासे सब्सक्राइब गेन हो रहे हैं। अब मैं आप सभी लोगों को इनका कॉन्टेक्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं पहले ये घरेलू ब्लॉग बनाते थे, सारा नीचे तक चलते हैं, देख सकते हैं सब्जी अब्जी का, मतलब रियल लाइफ में जितना सारा दिन में हमारे साथ होता है, रियल में जितना कोई कुछ होता है वो सब इन्होंने दिखाया। तो इनका ऐसे ही कुछ चलता नहीं था, वो कम चलता था, किसी पे 7, किसी पे 100, किसी पे 50, किसी पे 10, किसी पे 20 ऐसे व्यूज आते थे और ऐसे चलता रहा। इन्होंने 50-60 वीडियो बनाई ऐसे ब्लॉग, तो इनको सफलता नहीं मिली। लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं नीचे आते हैं और इसको डाउन करते हैं थोड़ा, देख सकते हैं इन्होंने ये वीडियो डाली भाई साहब, ये देख सकते हैं इन्होंने डाली ये 3 हफ्ते पहले एक वीडियो, जो बम्बई में जो हादसा हुआ था नोवावला में, जो बाढ़ वाले में जिसमें 9 लोग फंस गए थे, उसका इनके पास एक दिन ये वीडियो खुद इन्होंने बताया कि मैं ऐसे देख रहा था तो वो वीडियो मेरे सामने आई। उस टाइम वो वायरल थी और काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था और काफ़ी बड़ा हादसा था। वैसे तो भगवान ना करे किसी के साथ हो, ना किसी के परिवार के साथ, जो इस परिवार के साथ हुआ हम भी यही सोचेंगे कि कभी ना हो। लेकिन आप सभी लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या नहीं करना, इन्होंने कैसे वीडियो बनाई जिससे इनका चैनल ग्रो हो गया। और 3 हफ्ते पहले पहले 100, 200, 50, 60 ऐसे व्यूज आते थे, लेकिन 3 हफ्ते पहले जब इन्होंने ये वीडियो अपलोड की अपने चैनल पर तो 10,000 व्यूज आए एक ही दिन में। एक दिन में 10,000 व्यूज आए तो इनके शरीर में भाई साहब एनर्जी भर गई पूरी और काफ़ी ज़्यादा खुश हुए, अच्छे खासे उससे सब्सक्राइब मिल गए, अच्छा खासा बहुत टाइम मिल गया, अच्छी खासी वीडियो। अब मैं ये वीडियो चलाता हूँ कि इन्होंने वीडियो बनाई कैसे है, देख सकते हैं पिकनिक कैसा बन गया, उनका ये जो जाना था वो आखिरी जाना कैसा था, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहां से वापस लौट कर भी नहीं आएंगे। हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहां से कदम हमारे पीछे कभी आ ही नहीं सकते। तो इन्होंने वो वीडियो को डाउनलोड किया यूट्यूब से और आप सभी लोगों को बताते हैं उस टाइम ये वायरल में थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा था इसलिए वो वायरल इनकी वीडियो हुई, किस कारण से वो सारा कुछ बताते हैं। तो उस टाइम प्रॉब्लम चल रही थी, लोग इसको सर्च कर करके देख रहे थे काफ़ी ज़्यादा। इन्होंने एक दिमाग लगाया, दिमाग मेन चीज़ होता है ना, दिमाग लगाना पड़ता है भैया, और अगर इस दुनिया में जिसने भी दिमाग लगा लिया वो आगे बढ़ गया। तो कैसे दिमाग लाना है वो आप देख सकते हैं और इन्होंने क्या दिमाग लगाया और मैं क्या बता रहा हूँ वो सुनिए और इन्होंने क्या दिमाग लगाया वो भी देखिए। तो सबसे पहले इन्होंने एक दिमाग लगाया, देख सकते हैं इन्होंने दिमाग लगाया कि वीडियो का क्लिप उठाया, ये वीडियो को डाउनलोड की और कहाँ से डाउनलोड किया वो भी देख सकते हैं। इन्होंने वीडियो को डाउनलोड किया, यूट्यूब पर ही डाउनलोड किया, यूट्यूब पर ही डली वीडियो यूट्यूब पर से ही डाउनलोड की, उसका क्लिप अपने वीडियो में बनाया, अपने तरीका से बोला, सारा कुछ समझा उस वीडियो के बारे में, फिर उसको अपने आवाज़ मुंह से आवाज़ निकाली और सारा कुछ बोला उस वीडियो को समझ, और जो वीडियो थी उसको साइड में चलाया, उसका आवाज़ इसको डाउन करके चलाया और वो वीडियो इनने अपलोड की तो वो वीडियो वायरल हो गई, उस पर 10,000 व्यूज आए। उसके बाद जैसे ही 10,000 व्यूज आए तो इन्होंने देख सकते उड़ी से रिलेटेड काफ़ी वीडियो बना डाली और ऐसे ही बनाई, उसका स्क्रीन शॉट लिया अपने वीडियो के लगा दिया और कुछ वीडियो ली, वीडियो क्लिक लिए छोटे छोटे वो वीडियो में लगा दिए, वॉइस ओवर की अपनी आवाज़ दी, अपना फेस नहीं दिया, खाली आवाज़ दी और वीडियो वही चलती रही, उसका आवाज़ बंद कर दिया, अपना आवाज़ दिया, अपना रिएक्शन दिया, रिएक्शन दिया कि कैसे बताना है कैसे नहीं, सारा कुछ इन्होंने दिमाग लगाया तो ये वीडियो चल गई वायरल हो गई। उसके बाद देख सकते हैं कैसे वायरल हुआ वो भी देख सकते हैं आप। तो उसके लिए आप सभी ने इनके लिए चैनल 15 वीडियो इनने 15 दिन में 15 वीडियो ऐसे बनाई, उसके बाद इनका चैनल मोनेटाइज हो गया और ना कोई दिक्कत हुई ना कुछ हुई, क्योंकि इन्होंने रियल कंटेंट बनाया था भैया, खाली क्लिक लिया, बाकी का आवाज़ और वीडियो सारा कुछ इनका ही था। तो काफ़ी ज़्यादा इनको मज़ा आया, अच्छा खासा लगा, आप जाके खुश हैं, अच्छे खासे वीडियो बना रहे हैं, कुछ भी डालते हैं मतलब वीडियो पर आप ये सिखा रहे हैं कि कैसे क्या करना है सारा कुछ। तो इनको चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर अच्छी लग रही होगी। तो ऐसे आप सभी लोगों को वीडियो बनाना है, अगर ऐसे वीडियो बनाओगे तो आप जल्दी, अब मैंने बताया था कि चैनल बना कर वो दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। तो देख सकते हैं ये चैनल बना है 2 जनवरी 2024, अभी क्या चल रहा जुलाई, इस टाइम जुलाई चल रही, आज 29 जुलाई हो गई, लास्ट महीना मतलब 31 महीना, 2 दिन और रह गया, तो ये इसको जोड़ लेते हैं, जुलाई जनवरी के बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि
सातवां महीना चल रहा है, 7 महीना इस चैनल को हो गया, 106 वीडियो भी डाल दी इसमें, कुछ 2-3 वीडियो शॉर्ट है, मतलब 100 वीडियो बड़ी वाली क्लियर है कि टैग वीडियो शॉर्ट डली, ब्लॉग मिला के सारा 100 वीडियो उन्होंने डाला। तो ऐसे अगर आप वीडियो बनाएंगे, किसी मान लिया सोचे हो कि कोई अगर वायरल चल रहा है, आजकल इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं, अभी बिहार में काफ़ी लड़की वायरल हो रही है, गाना पे कोई डांस पे कुछ ना कुछ वायरल होता रहता है, किसी का घर वायरल होता, कोई आदमी वायरल हो जाता, कोई मरता, किसी का डेथ हो जाता है बड़ा आदमी की, जैसे कोई हीरो मर गया तो उसका भी कुछ वायरल होता है, जैसे कोई मूवी अभी आ रही है रियल में कोई मूवी रिलीज होने वाली है तो उसके छोटे छोटे क्लिक निकलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा वायरल होते हैं फेसबुक व्हाट्सएप पर। तो ऐसे आप सभी को उठाना है, अपना वॉइस ओवर करना, वीडियो को साइड में चलाना, अगर आप भगवान ना चाहे तो आपका भी अगर चैनल ग्रो हो सकता है, वीडियो वायरल जा सकती है, सब्सक्राइब अच्छे खासे बढ़ सकते। तो आशा करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे खासे से समझ गए होंगे कि कैसे वीडियो बनानी है और कैसे वीडियो उठानी है और कैसे एडिटिंग करनी है, ये सारा कुछ मैं कल वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो बने रहना कल की वीडियो को, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कल की वीडियो का इंतजार करना। कल मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारा कुछ क्लियर करके दिखा दूंगा कि कैसे वीडियो उठानी है, अपलोड डाउनलोड कैसे करनी और कैसे एडिटिंग करनी है, कैसे वॉइस ओवर करना है, कैसे कुछ करना, मतलब कैसे टाइटल डिस्क्रिप्शन, कैसे उसका थंबनेल बनाना, सारा कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म कर देंगे, मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना।